अब मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ी सीक्रेट बताने वाली हूँ। 2007 में मैंने एक फिल्म के लीड रोल के लिए ऑडिशन किया था एंड वो फिल्म थी, कैन यू गेस? यस, 3 इडियट्स। देखती आंखों, सुनते कानों और मुल्क में मौजूद हर पंछी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपकी हमनाम गुमनाम मेजबान फ्रॉम मिस खबरदार। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो चलिए व्यूवर्स, चलते हैं आज की एक और नई वीडियो की तरफ। तो आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल मिस खबरदार को सब्सक्राइब नहीं किया तो जनाब इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ किए गए बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको रोज़ाना नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। व्यूवर्स, बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा अनुष्का शर्मा, जिन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से डेब्यू देने से कबल फिल्म 3 इडियट्स के लिए भी ऑडिशन दिया था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रही है जिसमें अनुष्का को अपनी फिल्म पीके की शूटिंग के दौरान एक राज का इंकशाफ करते देखा जा सकता है। व्यूवर्स, इस वीडियो के आगाज में अनुष्का शर्मा ये कहती हैं कि आज एक बड़ा राज खोलने वाली हैं। व्यूवर्स, उन्होंने वीडियो में बताया कि मैंने 2007 में ब्लॉकबस्टर फिल्म 3 इडियट्स के लिए ऑडिशन दिया था। इस वीडियो के अगले हिस्से में फिल्म 3 इडियट्स की हिदायतकार राजकुमार हिरानी को इस बड़े इंकशाफ के बारे में सुनकर हैरान होते देखा जा सकता है। ये ऑडिशन किसी ने नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है, राजू सर ने नहीं देखा है। अनुष्का ऑडिशन फॉर 3 इडियट्स? यस। नो, अनुष्का नेवर ऑडिशन फॉर 3 इडियट्स। एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर यू ऑल टू सी द ऑडिशन। आज के बाद मुन्ना का नाम कभी नहीं सुनेंगे। एक गुंडे का नाम क्यों ले कोई? बिल्कुल नहीं। और मैंने ये ऑडिशन राजू सर और आमिर को सेट पे दिखाया था, तो अभी आप लोग जाइए और इनके रिएक्शंस भी देखिए। फिर कभी यहाँ कोई हंसी मजाक नहीं करेगा। इतना अच्छा ड्रेस दिया बेचारी ने, तुझे रिजेक्ट कर दिया उसको यार। ठीक नहीं। व्यूवर्स, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही नई और चटपटी न्यूज़ लेके आती रहूँ तो जल्दी से मेरे चैनल मिस खबरदार को सब्सक्राइब कर दें।